मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर के विज्ञान विज्ञान पीजी कॉलेज कारवार के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, हमने बात की थी एल्गी हैबिटेट्स की बात कर रहे थे हम, उसमें हमने एरियल हैबिटेट कंप्लीट कर लिया है यूनी। इसके बाद में जो बात करेंगे असामान्य हैबिटेट्स में बात करेंगे। यूनिवर्सल हैबिटेट की बात करें, यूनिवर्सल हैबिटेट ठीक है, इसको बोलते हैं असामान्य आवास, असामान्य आवास या अब असामान्य आवास का मतलब क्या होता है, वो चीज हम समझ लेते हैं। ऐसे आवास को जो सामान्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे आवास हैबिटेट, ऐसे आवास जो सामान्य जीवन के लिए उपयुक्त ना हो, उपयुक्त नहीं होते हैं। चलिए सामान्य आवास की बात कर ली हमने, यूनिवर्सल जो हैबिटेट्स है ऐसे आवास जो सामान्य जीवन के लिए उपयुक्त ना होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो आपने ध्यान रखना है असामान्य आवास कहलाते हैं ठीक है। अब असामान्य आवास में हम बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज एक एक पॉइंट जिसमें लेंगे, जैसे क्रायोफाइट्स में क्या है, क्रायोफाइट्स में क्या होते हैं, सेवार बर्फ पर पाए जाते हैं, बर्फ पर सेवार पाए जाते हैं, या आपको याद ध्यान रखना है बर्फ पर सेवार पाए जाते हैं तो वो क्रायोफाइट्स में आते हैं ठीक है। इसमें अगर बात की जाए जैसे क्ले माइटोमोनास येलो स्टेनेसिस, दूसरे की बात करें थर्मोफाइट्स अत्यधिक टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, मतलब 50 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर या गर्म जल में पाए जाते हैं। या थर्मोफाइट्स अत्यधिक ज्यादा गर्म पानी में पाए जाते हैं, ऐसे सेवा सैम्बायोटिक सेल्स तीसरे में आते हैं सहजीवी से मतलब क्या है, जीवन साथ साथ यापन करने वाले, साथ साथ जीवन जीने वाले सहजीवी कहलाते हैं। इसमें ध्यान रखना नोस्टोक है, क्लोरेला है, माइक्रोसिस्टिस है, क्लोरेला है, माइक्रोसिस्टिस है, ठीक है, ये जो सवाल होते हैं वो सहजीवी नोस्टोक है, साथ साथ जीवन यापन करने वाले वो होते हैं सहजीवी ठीक है। एपीफाइट्स में बात करें, एपीफाइट्स की बात करें अधिपाद बोलते हैं इसको, अधिपाद मतलब दूसरे के ऊपर उठकर अपना जीवन यापन करते हैं, किसी दूसरी एपीफाइट्स किसे कहते हैं, जो अनेक दूसरे पौधों के ऊपर उठते हैं
वो एपिफाइट्स कहलाते हैं। ध्यान रखो आप, कीटोस्पोरा, कीटोस्पोरा, कीटोस्पोरा का एग्जांपल है एपिफाइट्स। ठीक है, इसके बाद में बात करें एपिजोई, अधिश्राणी, जो प्राणियों के ऊपर पाए जाते हैं एपिजोई, प्राणियों के ऊपर पाए जाते हैं, यानी जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मछली, कछुए, मोलस्का आदि के बाह्य सतह पर पाए जाते हैं। मछली है, कछुआ है, मतलब प्राणी की त्वचा पर, सीधी सी बात है, सिंपल। अगर बात करें इन पर ये पाए जाते हैं, एपिजोई होते हैं, अति प्राणी होते हैं, इमेज को अति प्राणी प्राणी की त्वचा के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, इन प्राणी की त्वचा के ऊपर मिलते हैं। एंडोफाइटिक, एंडोफाइट्स, एंडोफाइट्स में बात करें, एंडो का मतलब अंतःपार्पी, अंतःपार्पी सहजीवन, अन्य पादपों में अंतःपार्पी सहजीवन निभाते हैं, पादप के अंदर अंतःपार्पी होते हैं और पादप के साथ सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध करते हैं। ठीक है ना, एंडोफाइट्स में अंदर रहेंगे और सहजीवी के रूप में रहेंगे। ठीक है, फिर इसके पश्चात अंडो, एंडो, एंडोजोफाइट्स, अंतः प्राणी, जैसे इसमें एनाबिना, सेवाल, एजोला नामक एंडोफाइट्स, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आगे देखते हैं ऊपर। देखिए एंडोफाइट्स का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, एंडोफाइट्स एग्जांपल है एनाबिना सेवाल, एनाबिना सेवाल, एजोला, एजोला, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, एजोला, टेरिडोफाइट की पत्ती के उपकों में की पत्ती के उपकों में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल हो गया, और साइट्रस की जरूरत है, साइट्रस की जड़ों में, तो यह आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंडोफाइट्स अंतःपार्पी में एनाबिना सेवाल, एजोला, टेरिडोफाइट्स की पत्ती के उपकों में, टिश्यू में पाए जाते हैं, और साइकस की जड़ों में भी ये पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें आगे, नोस्टोक, नोस्टोक सेवाल है, नोस्टोक सेवाल, एंथोसिरोक्स, एंथोसिरोक्स, एंथ्रोसिरोक्स नामक ब्रायोफाइट्स के उपकों में, ब्रायोफाइट्स के उपकों में पाए जाते हैं, टिश्यू जो होता है, टिश्यू जो होते हैं उपकों में पाए होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तीन या दो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछ लेते हैं भाई सहजीवी के रूप में या साइंबायोटिक के रूप में कौन सा एंडोफाइट्स है, तो इसमें कोई दे दे, जैसे एनाबिना जो है, एजोला, टेरिडोफाइट्स के पत्तियों के टिश्यू में कौन सा एंडोफाइट्स है, कौन सा एंडोफाइट्स है, तो वो आपको बता देना है, एनाबिना है। इसी प्रकार जैसे एंथ्रोसिरोक्स ब्रायोफाइट्स है, उसके टिश्यू के अंदर कौन सा एंडोफाइट्स है, एंडोफाइट्स एलगी है, तो वो आपको बता देना है, नोस्टोक। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार एंडोजू फाइट,
फाइटिंग, सॉरी एंड टू फाइट ठीक है। ये सेवाल चाय कॉफी पर लाल रस्ट को खिलाते हैं, चाय वे कॉफी में लाल रेड रस्ट लाल रस्ट नामक रोग खिलाती है, नामक रोग जो या आपको ध्यान देना क्या क्या ध्यान देना है। देखो ये एंटोजूफाइटिक में अंतर पाद प्राणी, अंतर प्राणी पादप आगे तो प्राणी जो पादप प्राणियों के अंतर पादप पाए जाते हैं वो स्पंजों में कौन सा गया जू जैन केला सेवाल पाया जाता है। उसके बाद में पैरासाइट्स में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं सेवाल, इसमें सेफ्लोरोस वायरस हैंस एलगी जो ये चाय और कॉफी में लाल रस उत्पन्न करती है। तो ये आपका जो पॉइंट है वो हैबिटेट वाला पॉइंट है, स्वभाव तथा आवास वाला जो पॉइंट था, सेवालों का आवास एवं स्वभाव क्या होता है वो सारी चीज हमने क्लियर कर ली है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग, अगला टॉपिक हमारा आता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस संगठन। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या होता है, थैलस का संगठन, वो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे थैलस संगठन पर। थैलस आपको पता है सेवाल में पेड़ को बोलते हैं, पेड़ पौधों को थैलस ही बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है स्टेम रूट्स वगैरह प्लांट को स्टेम रूट्स वगैरह भी उसमें डिफरेंट नहीं कर सकते हैं।
Thallus. Organization. ये हमारा पॉइंट देखो थैलस संगठन मैंने पहले भी समझा दिया था, अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो एंटी होती है शैवाल जो एंटी शैवालों में पेड़ पौधा जो होता है हम लोग जैसे प्लांट्स बोलते हैं पर यहाँ प्लांट्स ना बोलकर उसमें थैलस बोलते हैं कंप्लीट प्लांट स्ट्रक्चर जो होती है तो वो होती है आपकी थैलस। देखते हैं बात करें लोग थैलस पर। देखो थैलस एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय बहु कोशिकीय तंतुमय फिलामेंट्स तंतुमय और मर्दों की पैरेन्काइमेटिक रूप में होता है। क्लियर। फर्स्ट बात होगी यूनिसेलुलर होता है मल्टीसेलुलर होता है फिलामेंट यस टाइप्स होता है और पैरेन्काइमेटिक पेरेन्काइमेटियस टाइप का होता है इसमें थैलस। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि संगठन के आधार पर थैलस दो होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ थैलस की बात की जाए तो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होती है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना एक कोशिकीय दो कोशिकीय तंतुनुमा फाइबर्स टाइप होते हैं और मर्दों की प्रकार के रूप में यहाँ पर जो है पेरेन्काइमेटियस टाइप का यहाँ ऑर्गेनाइजेशन होता है थैलस में। अब बात करें हम इसको दो प्रकार दो भागों में एक तो यूनिसेलुलर एक को ध्यान रखोगा यूनिसेलुलर टाइप होता है और एक मल्टी सेलुलर टाइप यानी कि एक को हम इसको दो भागों में डिवाइड किया जाए एक को हम इसे कहेंगे एक कोशिकीय यूनिसेलुलर को क्या बोलते हैं एक कोशिकीय और इसे बोलेंगे बहु कोशिकीय मतलब बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना हो तो बहु कोशिकीय। ठीक है। मोर देन सेल्स द कार्ड ऑफ मल्टीसेलुलर एंड द वन सेल्स द कार्ड ऑफ यूनिसेलुलर टाइप्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूनिसेलुलर टाइप्स का भी होता है और मल्टीसेलुलर टाइप्स का भी होता है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे यूनिसेलुलर टाइप्स का जो थैलस होता है उसमें क्या होता है जैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है और कौन कौन सी एल्गी उसमें प्रेजेंट होती है उसके बारे में हम यूनिसेलुलर पर ध्यान देते हैं। कोशिकीय थैलस की बात करेंगे तो याद करना जीवन की सभी क्रियाएं एक कोशिका में होता है जीवन की लाइफ की जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा होती है एक क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा होती है। मतलब कंप्लीट जो प्रोसेस है अगर लाइफ का जो भी कंप्लीट रिप्रोडक्शन वगैरह है मेटाबॉलिक है जो भी है मतलब कहने का मतलब ग्रोथ है सारी चीज़ें जो भी है रेस्पिरेशन है सारी चीज़ें जो होती है वो जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। तो ऐसा थैलस जो होता है वो यूनिसेलुलर टाइप थैलस होता है एक कोशिकीय होता है। देखो एक कोशिकीय निम्न प्रकार होते हैं टाइप्स में फर्स्ट
यूनिसेलुलर टाइप्स में आपको ध्यान रखना है प्रकार, मैं बता देता हूँ टाइप्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स में प्रकार देंगे यानी कि यूनिसेलुलर कलर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम राइजोकोडियल या अमीबियल, अमीबियल थैलस से मतलब क्या है, अमीबियल थैलस का मतलब होता है कि इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है और आकृति निश्चित नहीं होती। इसमें देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कूट पार पाए जाते हैं, कूट पार पाए जाते हैं, ये जो नाम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर कूट पार होते हैं तो आकृति निश्चित नहीं, आकृति कैसी होती है निश्चित नहीं होती है, ये आपको जानना है अमीबियल निश्चित नहीं होती है, ठीक है। इसका जो सेप है साइज सेप जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है यहाँ पर, तो ये राइजोकोडियल या अमीबोइड, अमीबोइड से मतलब होता है अमीबी, अमीबी को अमीबी कूट पात या पाया जाता है, अमीबी थैलस कैसा होता है जिसमें कूट पात नहीं होता है, कूट पात होता है इसलिए उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके क्रिश अमीबा, इसका ध्यान रखना क्रिश अमीबा, क्रिश अमीबा में ऐसा होता है यानी कि यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करें कसाबी, कसाबी कसाबी का मतलब होता है फ्लेजिलेटेड, फ्लेजिलेटेड जो होता है फ्लेजिलेटेड, फ्लेजिलेटेड से मतलब होता है कसाबी की, यानी कि ये कसाबी का युक्त गतिशील शैवाल है, कसाबी का युक्त गतिशील सेवा है, यह आपको जानना है। यूनिसेलुलर थैलस पढ़ रहे हैं, इसमें जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में, ये तो परिभाषा होगी इसकी। फिर यहाँ पर पहला पॉइंट आ गया अमीबॉइड या राइजोकोडियल, कूट पात पाए जाते हैं, आकृति निश्चित नहीं, क्रिश अमीबा जैसी आकृति होती है इसमें, ठीक है। इसमें जैसे हम डायग्राम की बात करें, जैसे अमीबियल या राइजोकोडियल की बात करें तो ऐसी स्थिति होती है इसमें, ठीक है। राइजोपोड पाए जाते हैं इसमें, राइजोपोड इसमें पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है राइजोपोड, तो ये कूट पात, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया क्रिश, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है दूसरा क्लोरेला, इसी प्रकार डायटम्स, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लेना कसाबिका में, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लेना, यूग्लेना तो क्लेमाइडोमोनास सेवाल के अंदर दो फ्लेगिना और एक फ्लेगिना। डायग्राम की बात की जाए क्लेमाइडोमोनास की बात की जाए एक फ्लेगिना या एक फ्लेगिना मध्यम होती है, क्लियर। ये फ्लेजिलेटेड होते हैं क्लेमाइडोमोनास और यूग्लेना दोनों प्रकार के जो हैं शैवालों में जो है एक कसाबिका पाई जाती है, तो फ्लेजिलेटेड हो गया, ये कसाबिका युक्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय पढ़ रहे हैं, एक कोशिकीय में अमीबियल या राइजोकोडियल टाइप्स हो गया, ये कसाबिका फ्लेजिलेटेड सेवाल हो गए, ठीक है, थैलस फ्लेजिलेटेड थैलस हो गए।
थर्ड पॉइंट पे चल जाते हैं हम लोग, एक असाबी का नॉन फेस्टेड है, नॉन फ्लेजिटी लेटेड, नॉन फ्लेजिटेड में आपको क्या करना है, नॉन फ्लेजिटेड यानी कि एक असाबी, एक असाबी नॉन फ्लेजिटेड का मतलब होता है एक असाबी का मतलब इसके अंदर एक असाबी सेवाल आते हैं जैसे कोकोडाइन, कोकाइड, प्रोटोकोकाइड भी कहते हैं, क्लोरेला और सिने, सिने को कोकस। एग्जाम्पल है क्लोरेला, एक एग्जाम्पल तो ये एग्जाम्पल नॉन फ्लेजिनेटेड है, नॉन फ्लेजिनेटेड का है क्लोरेला, डाइटम्स है, डाइटम्स है, ठीक है ना, क्लोरेला है, डायटम्स है, सिनेकोकोकस है, सिनेकोकोकस है, तो ये सारे जो है वो नॉन फ्लेजिनेटेड थैलस है, ये आपको क्या करना है, ये क्लोरेला, डायटम्स, सिनेकोकोकस, ये जो शैवाल होते हैं ये नॉन फ्लेजिनेटेड होते हैं, मतलब इनमें कशाबिका नहीं पाई जाती, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है स्पेरियल टाइप्स हैं, सर्पिलाकार, ये चौथा पॉइंट है सर्पिलाकार, स्पेरियल, स्पेरियल टाइप्स में थैलस, स्पेरियल थैलस यानी सर्पिलाकार, सर्पिलाकार में क्या जाएगा, स्पाइरुलिना मतलब सर्पिलाकार और कुंडलित आकृति के होते हैं, एक तो शैवाल के समझे एक कोशी के होंगे और सर्पिलाकार आकृति के होंगे, सर्पिलाकार होते हैं, ठीक है, सर्पिलाकार होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इस टाइप में सर्पिलाकार यानी कि स्पेरियल टाइप्स में ये है, ठीक है ना, तो इसमें एग्जांपल बस ध्यान रखना है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना इसका एग्जांपल है, जहाँ पर ध्यान रखना है, तो स्पेरियल टाइप्स है यानी इससे अलग है, ये ऐसा फेलस होता है वो होता है स्पाइरुलिना, ठीक है। इसके बाद में ये आपका इनिशियल लेटर जो है, इनिशियल लेटर टाइप्स जो थैलस है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम मल्टीसेलुलर टाइप्स में बात करेंगे, ठीक है ना, मल्टीसेलुलर थैलस क्या होता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फोन चल रहा है, मल्टी सेलुलर थैलस, मल्टी सेलुलर थैलस यह बारह दिन की मुख कोशिकीय संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, या आपको जाकर प्लांट कंप्लीट प्लांट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें निम्न प्रकार के थैलस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें निम्न प्रकार होते हैं, अब निम्न प्रकार में सबसे पहले बात करेंगे एग्रेशन,
समूह का होता है इक्वेशन, ठीक है। दूसरा आता है आपका सिनोबियम समूह, समूह हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा सममंडल, सममंडल को बोलते हैं सिनोबियम, ठीक है। इसके बाद में फिलामेंटियस तंतु, तंतु को क्या बोलते हैं, फिलामेंटियस, ठीक है। तीसरा आता है इसमें साइफनी, साइफिनियस, साइफनी, साइफनियस टाइप्स है। फाइव नंबर का है इसमें पेरेंट का न्यूक्लियस टाइप्स, मर्दोत्की, मर्दोत्की में। और सिक्स नंबर का आता है आपका इक्विसिटम, इक्विसिटम, प्रकार या आपको ध्यान रखना है सिस्टम टाइप्स है। तो कुल मिला के हमारे को क्या कहना है, इक्वेशन है, सिनोबियम है, फिलामेंटियस टाइप है, स्पेनो यस है, और पेरेंट टाइप यस टाइप्स है, सिस्टम टाइप्स है, ये हमारे जो है मल्टी सेलुलर थैलस है। या आपको ध्यान रखना है मल्टी सेलुलर थैलस में कौन कौन से थैलस आते हैं, वो चीज आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब हमारे को इक्वेशन टाइप्स में क्या है, सिनोबियम टाइप्स क्या है, वो सारी चीजें हम एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे समूहनी एग्रेशन, यानी कि यहाँ पर कोशिकाएं क्या होती है, समूह बनाती है और एक नियमित आकार बना लेती है, मतलब इनका आकार जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। देखो सबसे पहले इसका फिर से बात करें, वो समूह से मतलब है इसमें कोशिकाएं आपस में समूह बनाती है, कोशिकाएं कोशिकाएं समूह बनाती है, वह एनिमिक कॉलोनी, एनिमिक कॉलोनी का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो एनिमिक कॉलोनी का निर्माण होता है वो एग्रेशन टाइप्स है, समूह हो गया। अब समूह में आपको क्या करना है, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे समूह में कौन कौन से आते हैं, पल्मेलाभ, पल्मोइड तीन टाइप्स में है। पहला है पल्मेलाभ या पाल्मेलाभ, या आपको ध्यान रखना है पाल्मेलाभ, पल्मोइड, ठीक है, डेंड्रोइड, वृक्षाभ, वृक्षाभ, ठीक है। इसके बाद हम बात करें राइजोबियल, तीसरा आ रहा है राइजोबियल, या आपको ध्यान रखना है तो राइजोपोडियल तीसरा हो गया है आपका इसमें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन से शैवाल आते हैं इसमें, तो पाल्मेलाभ में आता है टेट्रास्पोरा, पामेला, एक तो पामेला एग्जाम्पल दे रहा हूँ पामेला, ठीक है। डेंड्रोइड स्टाइप्स में आता है आपका, दूसरा है केमिसाइफोन, केमी साइफोन,
टेनिसाइफोन एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल राइजोकोडियल का हम दें तो राइजोकोडा यानी कि क्राइसी डी एस्ट्रम, क्राइसी डी एस्ट्रम ये पशु शैवाल है। मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया है मैंने संबोधन में एग्रीशन में। दूसरा था सिनोबियम सबमंडल, सिनोबियम सबमंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबमंडल में बात करें कॉलोनी निश्चित आकार की होती है और निश्चित संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है। देखो सबमंडल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक एक चीज को यहाँ ले लो। पहले संवर्ग में क्या है समूह बनाती है कोशिकाएं और फिक्स आकार नहीं होता है। इसमें आपको तीन आपको ध्यान रखना है, तीन टाइप्स में है, राइजोकोनियल है, डेंड्रोट्स है, पार्मेला है या वृक्षा, ये वृक्षा इसमें पार्मेला है, केसी साइफोन है, केनी साइफोन है और क्राइसी भी एस्टम है। ये आपको ध्यान रखने हैं एक विशेष टाइप में होते हैं, ठीक है। अब दूसरा जैसे सिनोबियम की बात करें तो कोशिकाएं जो एक निश्चित आकार की कॉलोनी होती है कोशिकाओं की संख्या भी फिक्स होती है। संबंध सिनोबियम वॉलवॉक्स में आता है, सिनोबियम स्टेज वॉलवॉक्स में सिनोबियम, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं कॉलोनी का निश्चित आकार, निश्चित आकार होता है और कॉलोनी की निश्चित संख्या, कोशिकाओं की निश्चित संख्या, कोशिकाओं की निश्चित फिक्स संख्या होती है, ठीक है। निश्चित संख्या होती है वो सिनोबियम टाइप्स। अब इसमें बात करें सबमंडल हो गया, अब इसमें इसको दो डिवाइड में बांटा गया है फ्लेजिलेटेड और नॉन फ्लेजिलेटेड। बात करें हम फ्लेजिलेटेड और नॉन फ्लेजिलेटेड इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। मैं लिख देता हूँ फ्लेजिलेटेड और नॉन फ्लेजिलेटेड, नॉन फ्लेजिलेटेड। अब फ्लेजिलेटेड का मतलब क्या है, कसाबी का वॉलवॉक्स, और एक होता है कसाबी का पीडीएस्ट्रम और हेड यूनिट। देखो इसमें तो आप वॉलवॉक्स याद रखो, वॉलवॉक्स एक हाइड्रियो डिक्टियोन, ये याद रखो, दो एग्जांपल याद रखो यहाँ पर। तो हाइड्रोडिक्टियोन नॉन फ्लेजिलेटेड सिनोबियम कॉलोनी, सिनोबियम सिनोबियम का मतलब क्या होता है, सिनेबियम सिनेबियम से मतलब होता है कॉलोनी, और कॉलोनी का मतलब होता है जिसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है पर कॉलोनी में निश्चित होती है संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो निश्चित होती है तो वो सिनोबियम टाइप्स होती है। यहाँ पर जानना है सिनोबियम टाइप में जो सेल्स होती है ना वो फिक्स होती है और कॉलोनी का आकार भी फिक्स होता है। यहाँ पर जानना है कॉलोनी का सेट एंड कॉलोनी जो होती है वो फिक्स होती है। तो इसमें दो ध्यान रखोगे, एक तो जिसमें कसाबी का पाई जाती है, सिनोबियम में भी दो पैट्स हैं, एक तो जिसमें कसाबी का पाई जाती है जिसे वॉलवॉक्स हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। ये जो आपके सामने एग्जाम्पल आ रहे हैं, एग्जाम्पल जो आ रहे हैं उनका कंप्लीट एक चैप्टर है, वो तो चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये तो आपके मेन अभी पॉइंट चल रहे हैं एग्जाम्पल वगैरह, तो नॉन फ्लेजिलेटेड में हाइड्रोडिक्टियोन बता दूंगा आपको, है ना, कसाबी का। इसके बाद में आगे थर्ड पॉइंट फिलामेंटियस पैट्स, सिनोबियम कंप्लीट हो गया, तंतु तंतु प्रकार मल्टी सेलुलर थैलस पढ़ रहे हैं हम लोग, फिलामेंटियस थैलस
फिलामेंट्स कैलक जो है यानी तंतु थैलस। अब तंतु थैलस से मतलब क्या है, देखो यहां पर क्या होते हैं, यानी कि तंतु जो होते संतति को एक दूसरे से पृथक न होकर एक ही क्रम में पाई जाती है। कोशिकाएं कोशिकाएं एक ही क्रम में पाई जाती है, या आपको ध्यान रखना है कोशिकाएं एक ही रूप में पाई जाती है या क्रम में पाई जाती है। सिक्वेंस लाइन टाइप है इसमें, कोशिकाएं एक ही क्रम में पाई जाती है, पहली चीज की जो। दूसरी चीज इसमें बात करें, ये जो होते हैं तंतु दो प्रकार के होते हैं, फिलामेंट जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं ठीक है। तो इसमें एक तो आ गया अनब्रांच्ड और ये हो गया शाखाओं में डिवाइड नहीं होता है, ब्रांच का एम्ब्रांच यानी कि इसके अंदर शाखाएं होती है, इसमें शाखाएं नहीं होती, अशाखित और शाखित, यह आपको ध्यान रखना है, शाखित और अशाखित। इसमें आपको ध्यान रखना है इसमें स्पाइरो वगैरह ओटोकोनियम ठीक है। तो अब इसमें फिलामेंट टाइप में दो प्रकार के हो गए हैं, ठीक है ना। तो फिलामेंट जो टिश्यू है वो थैलस है, तंतु थैलस है, तो कोशिका एक ही क्रम में पाई जाती है, फिलामेंट दो टाइप्स के होते हैं, एम्ब्रास और ब्रास साकेत होते हैं साकेत। तो यहाँ क्लेडो क्लेडोफोरा है और स्पोरोगायरा है, लोबोनियम है, ये जो होते हैं। तो यहाँ पर स्पाइरोगायरा और लोबोनियम एम्ब्रास थैलस है यानी कि ब्रांच में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्रांच में यानी शाखाओं में विभाजित होता है, तो क्लेडो फोरा उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें हम लोग जैसे भाई बाउचीनिया का बना लेते हैं, यहाँ पर हमको बाउचीनिया का बना दिया यहाँ, तो सेंट्रल वेक्यूल वगैरह इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये बाउचीनिया का है साइफेनियस, ठीक है। तो ये बाउचीनिया
इंडिया के अंदर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो साइक्लिक टाइप्स में इसकी डेफिनेशन क्या देखें, इसमें नलिकाकार पट रहित शाखित होता है। तो कैसा होता है नलिकाकार शाखित पट रहित, सेपरेट नहीं होता है, नॉन सेंट्रेट टाइप का होता है, पट रहित होता है, बहुकेंद्रीय होता है, बहुकेंद्रीय, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है साइटेनियस, साइटेनियस टाइप के टिश्यू में थैलस में ऑक्सीजन का थैलस स्ट्रक्चर आपको बना देना है और इसमें नलिकाकार शाखित और ये चीजें आपको यहाँ बना देनी है। तो ये आपका साइटेनियस टाइप हो गया। पेरेन्काइमेटियस टाइप्स में अगर बात करें मधुमेह, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मधुमेह प्रकार का होता है, इसमें यह आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, तंतु की कोशिकाओं में एक से अधिक तलों में विभाजन होता है, डिवीजन होता है। दूसरी चीज कुछ कहें पृथक नहीं होती है, विभाजन के पश्चात, ध्यान रखोगे आप, विभाजन के पश्चात कोशिकाएं या संवृद्धि कोशिकाएं अलग नहीं होती, अलग अलग नहीं होती, या आपको ध्यान रखना उसका जो होती है वो अलग अलग नहीं होती, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें इसमें मधुमेह की संरचना का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है क्लोरोफाइसिवर के हलवा, एग्जाम्पल सदस्य का थैलस जो होता है वो होता है, आपको ध्यान रखना है ये। तो इसमें आपको ध्यान रखना मधुमेह के प्रकार में आपको ध्यान रखना है, ऐसे थैलस पाए जाते हैं यहाँ पर, और तंतु की कोशिकाओं में एक से अधिक विभाजन होता है, और विभाजन विभाजन होने से संतति विभाजन के पश्चात कोशिकाएं अलग अलग नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका मधुमेह की या पेरेन्काइमेटियस टाइप से हो गया। इक्विसिटम टाइप्स नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि लास्ट पॉइंट है। देखो इक्विसिटम प्रकार,
नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स। तो इक्विसिस्टम टाइप्स में क्या क्या है? छोटा फिर बड़ा निर्यात्मा छोटा बड़ा छोटा ठीक है इसी प्रकार यहाँ पर छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा ऐसे छोटा छोटा बड़ा ऐसे ठीक है ना। सबसे पहले इक्विसिस्टम टाइप्स में क्या है कि इसमें मद्रूप की संगठन होता है। पहले बात तो आवासीय मद्रूप की संगठन पाया जाता है। टेटोफाइट आदि इक्विसिस्टम के समान होता है। पादप उदर और मुख्य अक्ष पाया जाता है। पहली चीज पादप में उदर में मुख्य अक्ष पाया जाता है। मुख्य अक्ष पाया जाता है ये आप ठीक है ना। पादप में उदर और मुख्य अक्ष पाया जाता है। पारु पारु संज्ञा पाई जाती है। पारु एंड्रोड पारु वह पारु संज्ञा पाई जाती है। पारु वह पारु संज्ञा पाई जाती है। दो तीसरी चीज इसमें बात करें सीमित व असीमित शाखाएं पाई जाती है। बढ़ती हुई शाखाएं सीमित अनलिमिटेड ग्रोथ लिमिट ग्रोथ सीमित व असीमित वर्ती की शाखाएं पाई जाती है। शाखाएं किस होती है? साखित होती है। शाखाएं साखित होती है बटी रहती है साखित ब्रास्ट होती है ठीक है। इसमें मूलाभास बहुत खुशी के मूलाभास पाए जाते हैं। राइजोस पाए जाते हैं इसमें तो बहुत खुशी मूलाभास पाए जाते हैं या आपको जान रखना है ठीक है ना। ये आपको जान रखना है। तो ये जैसे इसमें डायग्राम में देख रहे हैं ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ अनलिमिटेड ग्रोथ यानी असीमित वृद्धि असीमित वृद्धि वाली शाखा है मतलब इसकी वृद्धि मुक्ति नहीं है फिक्स नहीं है बढ़ने कितनी हो क्या है इसमें। इसके बाद में ब्रांच ऑफ लिमिट लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ठीक है। नेक्स्ट नोड एंड नोड नोड इंटरनोड का पर्व और पर्व संयोग का आप ध्यान रखना ठीक है ना। नोड और इंटरनोड की तरफ आप ध्यान रखना है।
ये इसमें एग्जांपल आप ध्यान रख रहे हैं कारा 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 में ऐसा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इक्विसिटम टेस्ट में क्या है, देखो इक्विसिटम का मतलब हो गया टेटोफाइटा के, इक्विसिटम किसमें आता है, इक्विसिटम आता है टेटोफाइटा में। टेटोफाइटा के जिस समूह में होता है वो उसमें आपको जानना है कि आभासी मजबूत के प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है, ठीक है ना, आभासी संगठन, आभासी मजबूत के संगठन इसमें पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना है मुख्य अक्ष पर पर्व संध्या सीमित वर्दी की शाखाओं का चक्र पाया जाता है। तो यहाँ पर लिमिट यानी सीमित वर्दी होती है, यहाँ पर ये जो आपके जो है ना नोड, यहाँ पर इंटर नोड भी नहीं होता है, इंटर नोड को क्या है, क्या है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ में आती है, ये ध्यान रखोगा, मतलब बहुत ज़्यादा वर्दी होती है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नोड पोजिशन इंटर नोड पोजिशन आ रही है वो आपको ध्यान रखना है, और नोड इंटर नोड पोजिशन में क्या जाएगा ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ में, और यहाँ पर दूसरा जाता है नोड में क्या जाएगा ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। इसमें ये आपको ध्यान रखना कारा इसमें आप मैगनेटिक प्रोटीन बता देना, वर्दी की शाखाएँ होती है, शाखाएँ बटी हुई रहती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बता रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार इक्विशन का इसमें हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं दोबारा आपको रिप्ले कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़ी है हमने। यहाँ पर हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन थैलस का संगठन पढ़ा, इस थैलस के संगठन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, देखो इसमें यूनिसेलुलर टाइप्स पढ़ा और मल्टीसेलुलर टाइप्स पढ़ा। तो यूनिसेलुलर टाइप्स में हमने पढ़ा जैसे अमीबिय राइजोबोबियस टाइप है, फ्लैजेलेटेड है, नॉन फ्लैजेलेटेड है, ठीक है, स्पिरियल टाइप्स हैं, ठीक है, ये आपके यूनिसेलुलर टाइप्स में आते हैं। तो यूनिसेलुलर टाइप्स आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में मल्टीसेलुलर टाइप्स में आए, मल्टीसेलुलर टाइप्स थैलस या मल्टीसेलुलर थैलस आप बता सकते हो, यानी कि बहुकोशिक थैलस आप इसको कह सकते हो। तो बहुकोशिक थैलस क्या होता है, यानी कि बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है, और ये क्या होता है अनलिमिटेड सेट में होता है, यानी कि इसकी जो असीमित होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो पाती है और अनियमित आकार का होता है इसमें, ठीक है। मल्टीसेलुलर टाइप्स में आपको बता देना है एग्रीशन है, सिनोबियम्स है, फिलामेंटियस टाइप्स है, स्पेनोसियस है, ठीक है, इसके बाद में जैसे पेरेन्काइमेंटियस टाइप्स है, लिपिसिकेट टाइप्स है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। समवन सममंडल तंतु, इसके बाद में आगे हम बात करें साइफनी मधुकी और एग्रीसिटम, ये हमारे अलग अलग हुए। तो ये कंप्लीट जो हमारा है वो मल्टीसेलुलर कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको एक पॉइंट और रह गया, कॉलोनी और सिनोबियम क्या चीज होती है, कॉलोनी तथा सिनोबियम में डिफरेंट, यानी बिटवीन डिफरेंट ऑफ कॉलोनी एंड सिनोबियम। तो मैं आपको बता देता हूँ, निश्चित रूप से ऐसे बोल देता हूँ, कॉलोनी जो होती है इसमें इसकी जो संख्या होती है, कॉलोनी की संख्या अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती है। सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, सेल्स जो होती है ना वो निश्चित होती है सिनोबियम में, और कॉलोनी में निश्चित नहीं होती है, ठीक है। साइज सैप एंड द साइज अनिश्चित होता है और उसमें सिनोबियम में निश्चित होता है, निश्चित फिक्स जो अगर आता है ना वो सिनोबियम बदलता है, अनिश्चित में आए तो कॉलोनी बताए, बिटवीन डिफरेंट एंड कॉलोनी एंड सिनोबियम, या आपको बिल्कुल ध्यान रखना है सिनोबियम जहाँ अगर पॉइंट आता है, सिनोबियम और कॉलोनी में अगर डिफरेंट आप पूछे अंतर पूछे तो सिनोबियम में फिक्स होता है और कॉलोनी में फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, तो सिनोबियम फिक्स है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन जो होती है इसमें आपस में कनेक्ट होती है, सेल्स में सिनोबियम जो होती है वो कनेक्ट होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसके अंदर निश्चित नहीं होती है, यह आपको ध्यान रखना है, आपस में कनेक्ट जो होती है वो कोशिकाएं क्या होती है आपस में कनेक्ट नहीं होती है, सेपरेटेड होती है, वो अलग अलग होती है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही काफ़ी, इसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियो पर, ठीक है, जय श्री।